हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में दिखाने वाला इंटेक्स गोल्डन बॉक्स के अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और इसके अंदर में क्या क्या है और इसका मेन्यू फेस भी चेक कराने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इंटेक्स गोल्डन बॉक्स आपको दिख रहा है। ये अभी अंदर में इसका सारा सामान अभी है तो उसको दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकिंग कुछ इस तरह से 1080 पिक्सल है इसका और सामने का लुक इस तरह से। तो यहाँ पर वाईफाई भी आपको मिल जाता है और यूएसबी केबल भी मिल जाता है यहाँ पर लगाने के लिए। आप यूएसबी केबल भी इसमें लगा सकते हैं और ये इंडिया का ब्रांडेड है। तो यहाँ पर ही लगा हुआ स्टिकर, तो इसके स्टिकर को पहले बाहर करेंगे और दिखाएंगे इसका अंदर का पैकिंग सेट। तो इस तरह से पैकिंग सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आरसी केबल आपको मिल जाता है, ऑडियो वीडियो जैक पिन यहाँ पर, और साथ में आपको मिल जाता है एक छोटा सा रिमोट जो कि इस तरह से है। और पीछे साइड में आपको दो पेंसिल बैटरी इंस्टॉल करने पड़ेंगे और साथ में आपको मिल जाता है, इसको पहले रख लेते हैं साइड पे। और साथ में ये एक बॉक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स इस तरह से। तो पहले हम इसको पन्नी से इसको हम पहले बाहर कर लेंगे यहाँ पर और इसको निकलाएंगे बाहर और इसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड आपको यहाँ पर ही मिल जाता है, क्योंकि 6 महीना का आपको वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। और सामने का लुक इस तरह से है, देख सकते हैं। और यूएसबी केबल आपको यहाँ पर ही लगाने के लिए मिल जाता है, ये चैनल के लिए दे देता है और ये पावर के लिए पीछे बटन दिया हुआ है। पीछे साइड में आपको यहाँ पर ही मिल जाता है एंटीना का और यहाँ पर ही एक डोंगल लगाने के लिए मिल जाता है। और ये आपको एलईडी स्मार्ट टीवी का यहाँ पर ही एचडीएमआई केबल कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है और ये नॉर्मल टीवी के लिए है। और यहाँ पर ही 12 वोल्ट का आपको अडाप्टर यहाँ पर ही जैक पिन लगाने के लिए यहाँ पर ही मिल जाता है। और यहाँ पर ही देख सकते हैं कि बॉडी पे छोटा छोटा सा यहाँ पर ही लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर ही पढ़ के आप यहाँ पर कनेक्ट आप कर सकते हैं। और सामने का लुक देख रहे हैं और ऊपर में ये वेंटिलेशन बना हुआ है जो हीट होने पर उसका एयर बाहर निकलने के लिए। पीछे के साइड में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है और ये इंडिया का ब्रांडेड ये सेटअप बॉक्स है ये, और GS6605 SS मॉडल वाला ये बॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया ये चलता है। और साथ में आपको मिल जाता है 1 एम्पियर का 12 वोल्ट का अडाप्टर मिल जाता है और ये इसका जैक पिन जो आपका सेटअप बॉक्स के बैक साइड में लग जाता है। और ये दोस्तों ये बॉक्स अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से एक पीस हमें हाथ लगा है और मैं इसको अनबॉक्सिंग करके मैं आपको लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और मैं आपको ले चलता हूँ टीवी स्क्रीन पे और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा टीवी स्क्रीन पे ये सॉलिड का बॉक्स पे अभी चल रहा है, यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। तो इंटेक्स गोल्डन बॉक्स में इसको अभी कनेक्ट करके और आप सभी को मेन्यू फेस चेक कराएंगे। तो 12 वोल्ट को यहाँ पर ही लाइट, यहाँ पर ही जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर लाइट का ऑप्शन आपको दे दिया और मैं इसको डिश एंटीना तार को भी यहाँ पर ही कनेक्ट कर लेंगे बढ़िया से, कुछ इस तरह से बढ़िया से इसको टाइट कर लेंगे। और HDMI केबल को भी यहाँ पर जैक पिन जो बना हुआ है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ही कनेक्ट किया, कुछ इस तरह कनेक्ट करना है, देख सकते हैं आगे में रेड लाइट भर गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं साउंड बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको पहले कम कर लेते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर ही देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है और मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको चेक करा देते हैं यहाँ पर ही इस बॉक्स का मेन्यू सेट। और वीडियो ये अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमारे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर ही देखिए मेन्यू फेस, तो मेन्यू फेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर टीवी सेटिंग के लिए मिल जाता है यहाँ पर ही, और रेडियो सेटिंग मिल जाता है यहाँ पर ही, आपका बॉक्स का सेटिंग मिल जाता है यहाँ पर। आप जिस तरह से बॉक्स को सेटिंग कीजिएगा उसी तरह से ये चलेगा। तो ये सारा सेटिंग यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये एंटीना सेटिंग, मोटर सेटिंग, और यहाँ पर ही टीपी लिस्ट आपको मिल जाता है।
फाइंडर भी मिल जाता है आपको यहाँ पर ही। ये सारा आप यहाँ पर ही कनेक्ट करके यूएसबी टेथरिंग से भी चला सकते हैं, और यहाँ पर आप डोंगल से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। और ये आपका पेन ड्राइव सिस्टम है, पेन ड्राइव को लगा के आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग जो भी किए होंगे, आप चैनल को भी रिकॉर्डिंग आप करके आप फिर दोबारा आप इसमें इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्ट कीजिएगा। मीनू फेस कुछ इस तरह से थे। तो दोस्तों वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।